जैसे हमने बहुत सारी फिल्में आपकी देखी हैं, ये जवानी है दीवानी, तमाशा, वेकअप सिड, मतलब सारे रोल्स जो रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट रहे, कोई भी मिलता जुलता नहीं रहा है। और अब जब शमशेरा है तो इसमें आपको क्या चैलेंजेस आए और क्या पार्ट आपको सबसे बेस्ट लगा जो आपने इन्जॉय किया? आई थिंक जो फिल्में के नाम आपने लिए हैं वो बहुत अलग किस्म के रोल थे। शमशेरा जैसी फिल्म हम कहते हैं मल्टी जॉनर है, आपको एक ही फिल्म में बहुत सारे जॉनर्स करने पड़ते हैं, एक्शन, कॉमेडी, रोमांस, ड्रामा, इमोशन, सब कूट कर फिर ऐसी फिल्म बनती है। तो मैंने कभी ऐसा किरदार नहीं किया था। ऐसी जो फ्रंट फुट वाली पिक्चर होती है इसके लिए बहुत कन्विक्शन की ज़रूरत होती है। यू नो, आप कन्विक्शन के साथ अगर डायलॉग नहीं बोल पाएंगे, एक्शन नहीं कर पाओगे तो ऑडियंस उसको खरीदेगी नहीं। तो आई थिंक वो बहुत बड़ा चैलेंज था। सो उसके लिए मुझे बहुत सपोर्ट मिला डायरेक्टर से, स्क्रिप्ट से, संजू सर से, वाणी से, सबसे। ये फिल्म से yes. ये फिल्म एक पोएट्री है, जो शमशेरा की पोएट्री है, मैं वो बोलता हूँ। सांसों में तूफानों का डेरा, निगाहें जैसे चील का पहरा, कोई रोक ना पाएगा इसे जब उठे ये बन के सवेरा। आई थिंक जितना भी कहूँ मैं, इट्स नॉट इनफ। It's the most exciting news in my life. But just think, jab hoga, then only I'll be able to answer this question. Right now, sirf sapne bun raha hu ya I'm just imagining. But yes, it's the toughest. It will be the most challenging and the toughest and the most exciting role in my life. Mera question bhi isi se juda hua hai. Mera naam Ramanshi hai. Main Rani Jagran se hu. Rishi Kapoor hamesha ek family ko lekar hamesha protective rahe hain, family ko priority pe rakha hai. To unse kya aisa cheez seekh chuke hain ya yaad karte hain ki फैमिली में जाकर के, फैमिली वे में जाकर के इन चीज़ों को प्रायोरिटी रखेंगे या काम को प्रायोरिटी रखेंगे, किन चीज़ों पर ध्यान देंगे? ऑफ कोर्स आई थिंक हम जो कुछ सीखते हैं ज़िंदगी में अपने माँ बाप से सीखते, जो वैल्यू सिस्टम है जो उनसे हमने इतने सालों में कुछ लिया है ज़िंदगी में, हम वही चाहते कि हम अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को वही दें। तो कोशिश करूँगा कि उनके जैसा बनूँ या उनसे बेटर बनूँ, यही कोशिश होगी। रणवीर जी, मेरा ही सरकार ने बहुत यहाँ अपॉर्चुनिटी दी हुई है, रिबेट्स हैं, ये लोग यहाँ आके शूट करते हैं। और लखनऊ और यूपी एक ऐसा स्टेट है जहाँ हर चीज़ मिल सकती है, और वो कहानी ज़रूर बन सकती है जो ज़मीन से जुड़ी होती है, जो मिट्टी की कहानी है, जिसमें संस्कार हैं, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, इमोशन है, एक्शन है, सब कुछ जो है। ये कॉमेडी भी करते हैं, एक्शन भी करते हैं, ये किस रुख में जाएंगे कुछ समझ नहीं आता। और ये बहुत ही अलग किस्म के विलन है। और ये करण ने कहा था, क्योंकि करण ने अग्निपथ भी बनाई, तो ये कभी नहीं चाहते थे कि कुछ भी सिमिलैरिटी दोनों कैरेक्टर में। सर, सबसे पहले तो आपकी तबीयत कैसी है, क्योंकि जैसा मैंने आज पढ़ा था तो आप काफ़ी ज़्यादा मतलब एक बुरी डिजीज से गुजर रहे हैं, एक परेशानी से गुजर रहे हैं, तो कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए वो एक्शन वाले सीन्स करना? क्योंकि अगर इंसान बीमार है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, पर आपने पूरी शूट कंप्लीट की और किसी को पता भी नहीं चला कि आप इतनी परेशानी से जूझ रहे थे। सबसे पहले मैं भोलेनाथ मेरे हैं, तो भोलेनाथ का भक्त हूँ, तो उनका आशीर्वाद मेरे सर पे है, फिर मेरे माँ बाप का आशीर्वाद है, और मेरे फैंस और जितने भी लोग मेरी पिक्चरें देखते हैं उनकी प्रार्थना मेरे साथ है। तो ये कैंसर एक जुकाम की तरह निकल गया, और मैं बिल्कुल कीमोथेरेपी करके सेट पे जाता था, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि भोले बाबा ने हाथ रखा हुआ है तो वो फीलिंग नहीं हुई। मैंने शमशेरा भी की है, और मतलब आई जस्ट थैंक एवरीबॉडी फॉर देयर लव एंड अफेक्शन, थैंक यू। क्या कुछ सीखने को मिला आपको? मैं आपका दूसरी सवाल का जवाब पहले दूंगी। हम सबको पता है संजय सर कैसे हैं, फिनोमिनल एक्टर, ब्रिलियंट, मुझे तो उस पर बात करने की जरूरत भी नहीं, आप सब आई थिंक लाइफ प्रूफ हो इस बात का, पर बहुत ही अच्छे इंसान है। आई थिंक क्या होता है ना, मैंने बहुत कम फिल्में करी हैं, बहुत ज्यादा तो करी नहीं, तजुर्बा मेरा उतना ही है, तो
जब मैं जाती हूँ किसी सेट पर, मैं भी अपना देखती हूँ, ऑकवर्ड रहती हूँ थोड़ा, यू नो, कम बात करो कम, बट ये इतने अच्छे हैं, ये दिल के इतने अच्छे हैं और इतने वार्म हैं, इतने वेलकमिंग और इनवाइटिंग एज अ पर्सन. ये आपको अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करेंगे, अपनी फैमिली का हिस्सा बना लेते हैं. एंड आई थिंक ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको कंफर्टेबल महसूस कराती है, आपको स्पेशल फील कराती है. आई थिंक एक्टर्स को आदत होती है स्पेशल फील करने की, क्योंकि दुनिया उनको स्पेशल फील कराती है. इनमें एक खासियत है कि ये औरों को स्पेशल फील करा सकते हैं. तो आई थिंक दैट इज अ रेयर काइंड ऑफ अ स्पेशलिटी ऑफ मिस्टर संजय दत्त. एंड आई एम जस्ट सो ऑनर्ड कि मुझे इनके साथ काम करने का मौका मिला. थैंक यू. दैट इज लास्ट क्वेश्चन. अभी एक महीने पहले एक हॉरर कॉमेडी आई, भूल भुलैया 2, जो बहुत बड़ी हिट हुई. मुझे तो हॉरर फिल्म से बहुत डर लगता है, तो मैं तो शायद ही करूंगा. बट ऑफकोर्स ये बहुत अच्छा जॉनर है, लोगों को पसंद आती है हॉरर फिल्म. आई एम श्योर फिल्म इंडस्ट्री में लोग बना रहे होंगे इस वक्त हॉरर जॉनर. आपको पसंद है हॉरर? और आपने किन किन परेशानियों का सामना किया? आपने डबल किरदार निभाए हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपने किन किन परेशानियों का सामना किया है और मतलब किस तरीके से आपने चीजों को डील किया है. आई थिंक ये जो 4 साल का गैप रहा है, ये मेरी वजह से नहीं है. मैं तो काम ही कर रहा था. मैं शमशेरा में काम कर रहा था, ब्रह्मास्त्र में काम कर रहा था जो 9 सितंबर को रिलीज हो रही है. एक साल बीत गया जब मेरे फादर अनवेल थे, तो उनके ट्रीटमेंट में अमेरिका ऊपर नीचे जाना पड़ा. फिर हम सब की ज़िंदगी में कोविड भी आ गया था 1.5 साल. तो जाहिर सी बात है 4 साल बाद मेरी एक फिल्म आ रही है, लेकिन चैलेंजिंग तो हर फिल्म में होती है. हर फिल्म, जैसे जब मैं संजू बायोपिक कर रहा था, वो भी बहुत चैलेंजिंग थी कि एक ऐसे आदमी पे एक फिल्म बन रही है जो आप सब इतना प्यार करते हो, जो आज भी इतना फेमस है, काम कर रहा है, उसके ऊपर कैसे मैं एक्टिंग कैसे करूँ. तो हर फिल्म की चैलेंज अलग होती है. ये फिल्म की चैलेंज अलग है क्योंकि मैंने इस तरह का रोल नहीं किया है. ऊपर से 2 रोल प्ले करा था, मैंने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी थी. क्योंकि जब मुझे फिल्म ऑफर हुई, मुझे सिर्फ बेटे का रोल ऑफर हुआ, मुझे फादर का रोल ऑफर नहीं था. जैसे संजू सर कह रहे थे, मेरे अंदर का भी एक लालची एक्टर जिंदा हो गया और मैंने खुद अपने आप को ऑफर किया. बोला कि करण मुझे ये रोल में भी ले ले, फादर सन के किरदार है तो शायद निकल जाएगा अगर सेम एक्टर प्ले करेगा. तो उसके लिए हमने बहुत ऑडिशंस भी किए कि हम भी कन्विंस हो कि शायद मैं ये रोल प्ले कर पाऊंगा या नहीं. तो ऐसे तो बहुत सारे चैलेंजेस थे. जैसे मैंने कहा, फिजिकल फिल्म थी, बहुत एक्शन था, तो उसके लिए बहुत चैलेंजेस.